हम कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। नानी को छोड़ दिया ना? वाह, अब हम जा रहे हैं अंबाला कैंट की ओर। थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? हाँ? रोटी नहीं खाई ना तूने? पहले क्यों नहीं खाई दोपहर को? हाँ? ये जो इतनी साफ सफाई दिख रही है, पूरे कमरे को चमका दिया है, पोछा झाड़ू अच्छे से लगा के, होशियार लड़की ने करी है। दिल खुश कर दिया इस लड़की ने, जो कभी कुछ ना करती, और साथ में बीमार भी पड़ गई है। तो ये साफ सफाई इसने करी है यहाँ की। लेकिन अभी आना है, पुट्टी वाला आएगा। तू क्यों शोर मचा रहा है? पुट्टी वाला आएगा तो ये जरा खड्डे खुड्डे पड़ गए हैं, ज्यादा ही पड़ गए हैं, ये वो भी ठीक करके जाएगा अभी से। आजा। मेडिसिन लगी है तुझे? हाँ, चल उधर बैठ जा। ये अगले दिन की सुबह है और मेरी तबीयत है ख़राब, क्योंकि थोड़ा बॉडी पेन हो गया था और जक्ष खा रहा है अपना अंडा। मैं लेटी हुई हूँ और डॉक्टर बना रही है। अच्छा, वो कैसी धीरे चल रही थी? नहीं, फिर कैसे चल रही थी? आप ट्रेन में आए हो? नहीं पता। स्मॉल थी या बिग थी? बिग थी। बिग थी? वो ब्लू कलर की थी या ग्रीन कलर की थी? ब्लू कलर की थी। अच्छा, वहाँ पे आप बैठ गए थे? हाँ। मजा आया था? लेके जाएंगे दीदी को, लेकर चलोगे? हाँ। मेरे को, मैं भी चल सकती हूँ काका अगली बार तुम्हारे साथ? हाँ। वाह, मार्विन चल सकता है? नहीं, वाह भी वाह, चट्टा नहीं कहेगा। ओ मार्विन, ओ बेचारे को दुख है। मार्विन, जक्ष नहीं लेकर जाएगा तेरे को ट्रेन में। दीदी, दीदी चल सकती है? हाँ। पापा? हाँ। मारियो? हाँ। जक्ष? हाँ। मम्मा? हाँ। बट मार्विन क्यों नहीं? पहले एग खा लो, एग खा लो जल्दी से। जक्ष, मार्विन, तू नहीं जा। चल दीदी, चल मुझे ट्रेन दे कि नहीं जाया। मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ। जक्ष, अब आइडिया। आइडिया? क्या आइडिया है? वाबी को वो अगली वाइट ट्रेन में लेके जाओ। जक्ष, न क्यों टच्ची के पीछे लगी है? कोड क्रैक कर लेगी, तेरे बस की नहीं है ये कोड क्रैक करना। आपको पता है मैंने कितने अलमारियों की कोड क्रैक करे? हाँ हाँ, बड़ी आई तू। ये छोटा सा रख दे इसे, मैं खुद दूंगी निकाल के। मम्मा, मैं इसमें साउथ कोरिया चल जाऊं। मारियो को ला अंदर। सिट सिट। तो मारियो ले रहा है ऑरेंज के मजे और सारे के सारे खुद ही खा रहा है। कह रहा है मेरे अलावा कोई नहीं खाएगा, मैं ही खाऊंगा सारे के सारे, और मेरे को ही खिलाओ ये। देखो 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 देखो,
चलो जम करके खाते। मारियो, मीठे बिस्किट नहीं खाने हैं। तो आज खा रहे हैं हम रोटी गोभी और साग, क्योंकि तबीयत है सबकी खराब। इसको भी फीवर, इसको भी। इधर आ जक्ष, फिर हैंड धोने चला गया। रोटी खा नहीं बैठ के, क्या दिक्कत है? कितनी बार धोएगा हैंड? गीले नहीं हो जाएंगे कपड़े? ये खाना खाने के लिए नखरे बना रहा है, इसे नहीं खाना। ये खाना मैं खा लूँ इसके पोटैटो? नहीं, ये खुद खाएगा जो था बचा हुआ, क्योंकि सबकी तबीयत है खराब। मम्मी मेरी, आशी के पापा और इन तीनों दोनों टिड्डों की भी सर में हो रही है दर्द बुरे हाल से। तो ये वापसी के आने के बाद पहला दिन, और बच्चे हैं सारे बीमार, बड़े भी हैं सारे बीमार। तो अभी ठीक होने में लगेगा टाइम। मारियो कर रहा है मस्ती ऊपर, और जक्ष तू तेरे हाथ धुल धुल के नहीं हट रहे है ना, खाना नहीं खाने के कितने बहाने बनाता है तू, कितने बहाने, कितने बहाने, कितने बहाने के कितने बहाने बनाता है। तेरे को मैं बोल रही हूँ, इधर आ, अपनी सीट पे आ, पीछे पर आता हूँ, बैठो यहाँ पर। नहीं, इसको खाना खाने दे, चल खाना खा अपना, पोटैटो के साथ खाओ ले आकर, चुपचाप खा ले। जो मिल रहा है ना खाने को उसको चुपचाप खा लेना चाहिए, हाँ भगवान का शुक्र मना के। मोनी चुपचाप खाना खाओ, ठीक है ना, नखरे नहीं करने। तू कैसे बैठा है ये? देखो रोना भी आ गया। कोई रोना नहीं है, नाइन्थ है वो इसकी, और इसको फोन चाहिए, और यहाँ स्कूल शुरू हो गए हैं। ये देख लो, तुमने किसको देखा इस वाली सब्जी को रिफाइंड में बनाते हुए, बताओ मेरे को। आज है मेरी तबीयत खराब तो पति देव बना रहे खाना, नाश्ता भी आज इन्होंने बनाया है खाना, जो कि गलती से रिफाइंड डाल दिया गया है, डालना चाहिए था सरसों का तेल। ये यहाँ का हालात हमारे डाइनिंग टेबल के, जो कि बिगड़ चुके हैं कायदे से। अरे पानी में डाल दिया तेल, पानी ये देखो, ये जो फड़फड़ कर रही है, इतना ज्यादा फड़फड़ा रहा है ये।